वेब दुनिया से महेंद्र सांगी दद्दू का सबको सादर नमस्कार। रंगारंग होली का अवसर है। हम तीन कवियों की त्रिवेणी अपनी कविताओं की पिचकारियों से प्रेम हास्य व्यंग के रंगों की फिहार बिखेरने के लिए तत्पर है। बोर्ड पर मेरे साथ हैं श्री टोनी शुक्ला आशीष, आप कवि होने के साथ वरिष्ठ मंच संचालक हैं, मार्केटिंग ट्रेनर हैं और रियल इस्टेट बिल्डर भी हैं। हमारे साथ नवोदित कवित्री सुहानी हैं, वे अपना अधिक परिचय अपनी चार लाइनों में स्वयं देंगी। कार्यक्रम का आगाज मैं अपनी चंद लाइनों के माध्यम से करना चाहता हूं। स्वागत है। अर्ज है कि होली के रंग दिवाली के पटाखे, क्या बात है? होली के रंग दिवाली के पटाखे, संक्रांति की पतंग, रक्षाबंधन के धागे, साथियों वैलेंटाइन डे को अवश्य मनाओ, मगर जरा भारतीय त्योहारों को भी तो विदेशों में पहुंचाओ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आइए हम सब मिलकर भाईचारे के प्रतीक इस पावन त्योहार को इस पूरे विश्व में फैलाएं। टोनी शुक्ला जी संचालन क्षेत्र के महागुरु हैं, मैं संचालन का दायित्व उन्हें सौंपते हुए उन्हें इन पंक्तियों के साथ सादर आमंत्रित करता हूं। ये अच्छा हुआ टोनी भाई जो आपने होली पर रंग लगाकर हंसा दिया। क्या बात, अच्छा हुआ टोनी भाई जो आपने होली पर रंग लगाकर हंसा दिया, वरना अपने चेहरे का रंग तो महंगाई ने कपका उड़ा दिया। दोस्तों नमस्कार। की ने मारी पिचकारी तोरी भीगी अगिया, क्या बात, हो रंग रसिया रंग रसिया। आहा, आहा। हो दोस्तों सभी को प्रणाम करता हूं। और सबसे बड़ी बात होती है जब होली की बात आती है तो मस्ती आनंद, और सबसे बड़ी बात होली की ये होती है कि बहुत कम पैसों में आदमी इस त्योहार को बड़ी खूबसूरती से मना सकता है। रंग तो ऐसे हैं कि आपके पास अगर पैसा ना हो तो भीड़ में ऐसे ही निकल जाइए, लोग आपको ऐसे ही रंगीन कर देते हैं, और आप तो ऐसी तबीयत से भी रंगीन है और माता का आज तो ऐसे भी रंगीन दिख रहे हैं। तो विश्व के पहले हिंदी पोर्टल webdunia.com पे हम लोग हैं, और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे साथ सुहानी और सांगी साहब हैं कि गहरे कुओं से थाह लें और गहराई कर दें, गहरे कुओं से थाह लें और गहराई कर दें, चलो किसी तलाकशुदा जोड़े की फिर से सगाई कर दें। क्या बात है, क्या बात है। अपनी जिंदगी के रंगों के रंगरेज हैं हम खुद। क्या बात, अपनी जिंदगी के रंगों के रंगरेज हैं हम खुद। इंद्रधनुष के रंग पुराने हो चले, चलो पुताई कर। क्या तो हम बात तो है, क्या बात, इंद्रधनुष पे पुताई करने वाले लोग हैं। और दोस्तों हमारे बीच एक बहुत जबरदस्त नाम हास्य और व्यंग का है, मैं जब भी उनको सुनता हूँ कुछ नया पाता हूँ, कुछ ऐसी बात वो करते हैं कि मन में अंदर भी गुदगुदी होती है और बाहर भी गुदगुदी होती है। तो सबसे पहले उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि उनकी जो उम्र है, और मैं उनसे कभी कभी पूछता हूं तो वो कहते हैं कि आप अभी इतने यंग क्यों, तो वो कहते हैं कि मेरा बाल विवाह हुआ था। अब पता चला है कि जब उनके बाल हुआ करते थे तब शायद उनका विवाह हुआ था, इसलिए वो बार बार बाल विवाह कहते हैं। मैं सबसे पहले दद्दू को आमंत्रित करता हूं इस बात के साथ कि अनायास ही ये अपवाद हो गए, पट्ठों में अचानक ही उस्ताद हो गए, तैयार नहीं था कोई भी खपने को न्यू में, और ये देखते ही देखते बुनियाद हो गए। तो मैं चाहूंगा दद्दू अपने लहजे में अपने तरीके से जरा हमारे कुछ दर्शकों को इस बारे में बताइए। आभार कर लीजिए। जब किसी व्यक्ति के सिर से बालों की विदाई होती है तो उसे लगता है मानो बेटी की विदाई हो रही हो। क्या बात है, लोग भी ऐसे ऐसे तंज कसकर मजाक बनाते हैं मानो कि उसने कोई अवार्ड वापस कर दिया। कल रात मैंने सपने में देखा कि ईश्वर ने धरतीवासियों की शिकायत सुनने के लिए एक हेल्पलाइन खोल दी। ओके, मैंने कॉल किया, प्रथम प्रयास में ही लग गई। मैंने सोचा ईश्वर जैसा श्रोता कहाँ फिर, कहाँ फिर मिलेगा, तुरंत चार लाइनें पेल दी। ये पेलना शब्द इंदौर का शब्द, ध्यान रखिएगा आप, है पेलना। हे प्रभु ये जरा बता, ये कैसा तेरा इंसाफ है, हे प्रभु जरा बता तेरा ये कैसा इंसाफ है, दाढ़ी रोज बढ़ती है मगर सिर के बाल साफ है। प्रभु तपाक से बोले कि वत्स गंजेपन को अवसर समझकर तुम कुछ सकारात्मक क्यों नहीं सोचते हो, वत्स गंजेपन को अवसर समझकर तुम कुछ सकारात्मक क्यों नहीं सोचते हो, स्वयं विग लगाकर लोगों को बाल उगाने का तेल क्यों नहीं बेचते हो। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। दोस्तों होली पर लिखे हुए चंद मुक्तकों से आपको स्वागत है, स्वागत है, स्वागत, स्वागत। अर्ज है कि होली के रंग आज लगेंगे कल उतर जाएंगे,
होली के रंग आज लगेंगे कल उतर जाएंगे, मेरी मोहब्बत के रंग मगर जिंदगी भर साथ निभाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चंद लाइनें और पेश करना चाहता हूँ। स्वागत। अगर शिकायत होती है कि सब रंग से हमें एलर्जी है, वास्तविक एलर्जी भी होती है और आज फैशन भी बन गया है एलर्जी। रंगों से एलर्जी शीर्षक है। आपको रंगों से एलर्जी है, चलिए आपको रंग नहीं लगाएंगे। आपको रंगों से एलर्जी है, चलिए आपको रंग नहीं लगाएंगे, मगर साथ तो बैठिएगा, रंगीन बातों से ही मन बहलाएगा। क्या बात है। मैंने पहले ही कहा था कि हमारे दद्दू की सबसे अच्छी बात यह है कि बड़े रंगीन मिजाज के व्यक्ति हैं।